क्या लगता है, वो तेरे बिना अच्छे से रह पाएगी? हाँ रह पाएगी। मैं उसके साथ रहूंगा तो उसे ज्यादा तकलीफ होगी। उसे जब पता चलेगा मैं इंसान नहीं एक वैम्पायर हूँ, तब उसे बहुत तकलीफ होगी। वो मुझसे नफरत करने लगेगा। मैं सब कुछ सह सकता हूँ लेकिन उसकी नफरत नहीं। उससे दूर रहकर तुझे जो तकलीफ होगा उसका क्या? मैं सह लूंगा भैया, इतने सालों से तो सह रहा हूँ, आगे भी सह लूंगा। तू तो सह लेगा लेकिन वो सह नहीं पाएगी। उसका प्रूफ तुझे आज मिल गया। आज उसकी वजह से मैं ये लोग को इतनी बातें सुनाई। उसने मुझे इग्नोर किया तो मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी? ते तुझे खुद को संभालना पड़ेगा। आज वो तेरी वजह से अपनी फ्रेंड से लड़ी। तू शायद भूल गया है भाई, तू तकलीफ में होगा तो वो भी तकलीफ में होगी। वो तुझसे कभी दूर नहीं जा सकती क्योंकि उसकी जिंदगी तुझसे जुड़ी हुई है, उसके जन्म तेरे लिए हुआ है। हाँ भैया मैं जानता हूँ, फिर भी मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ, उसे एक हैप्पी जिंदगी देना चाहता हूँ। वो एक इंसान है भैया, इंसान और वैम्पायर की जिंदगी अलग होती है। हमारा मिलन होना बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूँ वो इंसान की तरह जिए, वो खुश रहे। इंसान की दुनिया बहुत खूबसूरत है भैया। जंकुक वो पहले भी एक इंसान ही थी। हाँ और मैं एक वैम्पायर जिसके वजह से उसे मरना पड़ा और फिर से उसकी जन्म तेरे लिए हुआ है, तो वो तुझसे दूर कैसे रहेगी? मैं तो उस दिन की इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन वो अपनी प्यार को समझेगी और वो पूरी तरह से तुझे अपनाएगी। ये इम्पॉसिबल है भैया, वो वैम्पायर से नफरत करती है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल होने में देर नहीं लगता है। ये नमकीन मेरे दिमाग से जा क्यों नहीं रही है? इस आदमी ने मेरे दिमाग खराब कर रखा है। दी क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं, हमारे जीजू के बारे में सोच रहे हो? एक दूंगी तुझे। तुम दोनों बोलो, तुम दोनों का हालत क्या है? हम दोनों ठीक है दी। सुगा जिमिन के कोई भाई है क्या? मैं तो बोल नहीं सकता दी क्योंकि मैंने कभी पूछा नहीं। क्यों, क्या हुआ दी? नहीं कुछ नहीं। इसे क्या हुआ, ये देवदास के तरह बैठे क्यों है? इसकी पाव तो इसे मिल गई। भाई मेरे कौन से गम में डूबा हुआ है, तुझे तो खुशी की खबर उड़ना है। हाँ इसने आपके फोन किया। हेलो हेलो मिस जिन, क्या कर रहे हो तुम? रात को इंसान क्या करते हैं? बहुत कुछ करते हैं। तुम किस बारे में सुनना चाहते हो? देखो सारे दिन की थकान इंसान रात में ही दूर करता है। मतलब तुम सच में समझ नहीं पा रहे हो? नहीं। हाँ तुम कैसे समझोगे, तुम्हारी तो अभी तक शादी नहीं हुई है। मैं पति पत्नी के बीच जो होता है वो बोल रहा हूँ। पति जब थक के घर आता है उसके बाद पत्नी जो प्यार से देती है उससे उसकी सारी थकान दूर होती है। मिस्टर नामजुन आप इतने शर्मनाक हो, आपको शर्म नहीं आती ऐसे बात करते हुए? हाँ मैंने गलत क्या कहा? मैं पहले समझ गई थी जब आप मुझे आज सुबह फूल दे रहे थे, आपके कैरेक्टर में प्रॉब्लम है। क्या मेरे कैरेक्टर में प्रॉब्लम है? हाँ है। फोन रखो आप, ये कह के जिन फोन कर देती है। ये आदमी कितना शेमलेस है। तुम दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो? दी आपको किसने फूल दिया? किसी ने नहीं। तुम दोनों अब जाओ, जाकर सो जाओ। ओके भाई चले ऐसे, इन्हें गुस्सा आ गया तो हमारी बैंड हो जाएगी। दोनों चले जाते हैं। मुझे नींद नहीं आ रही है, आँख बंद करती हूँ तो वो सब कुछ दिखाई देती है। जिमिन तुम ठीक हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ सुबह, तुम्हारी आवाज़ सुनकर तो नहीं लग रहा है तुम ठीक हो। नींद नहीं आ रही है? हाँ तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। नहीं तुम्हें इतनी रात को मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है तो तुम सो जाओ। हाँ कोशिश करूँगी, गुड नाइट। गुड नाइट। जिमिन फोन कर देती है। सुबह मेरी कितनी फिक्र करता है, वो तो मुझे ज्यादा दिन से जानता भी नहीं है। क्या हुआ भैया? जिमिन परेशान है, मैं समझ सकता हूँ। तू उसके पास जा, उसे संभाल, उसने मना कर दिया है। भैया तू भूल गई है तू एक वैम्पायर है, तेरे पास अपना पावर है, तू जिमिन की मदद क्यों नहीं करता है? नहीं जंगू मैं उसके ऊपर कोई पावर इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। मैं समझ गया, जा तू। तू नहीं जाएगा? हाँ जाऊंगा, मैं जब तक उसके पास नहीं जाऊंगा तब तक मैं सो नहीं पाऊंगा, ना वो सो पाएगी। एक रात ही तो है जब मैं उसके पास जा सकता हूँ, उसे छू सकता हूँ, उसे अच्छी तरह से देख सकता हूँ। तू चिंता मत कर भाई, बहुत जल्दी तू उसे दिन में भी छू सकेगा। पता नहीं वो दिन आएगा भी या नहीं। आएगा भाई,
जरूर आएगा, मैं चलता हूँ। हाँ, जंगकुक चला जाता है। तुम सोते बहुत प्यारी लगती हो। तुम्हें मैं छूना चाहता हूँ, गले लगाना चाहता हूँ, लेकिन मैं वो कर नहीं सकता। मेरा हाथ पैर बांधा हुआ है। तुम मेरे सामने होते हुए भी मैं तुम्हें गले लगा नहीं पाता हूँ। मुझे बहुत तकलीफ होता है। जंगकुक तेरे को हाथ करके सो जाते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो भी मेरे साथ है वो रो रही है? सोते हुए कितना क्यूट लग रहे हो बेबी मोची। जब मैं तुम्हें बेबी मोची बोलता था तब तुम बहुत गुस्सा होते थे और मेरे साथ लड़ते थे। जिनिंग, सुबह छुप जाते हैं। ये रूम में इतना अंधेरा क्यों है? आरएम लाइट जला देता है। ये तो सो गई। आरएम जिनिंग के फोरहेड पे किस करके चला जाता है। एक कौन है इतनी रात को जिम के रूम में आकर जिम के फोल्ड पे किस करके चला गया? इसकी इतनी बड़ी हिम्मत, मेरी मोची को किस करता है? एक सेकंड, सुबह जिमिन का कोई भाई है क्या? एक क्या जिमिन का भाई है? जिमिन? हाँ भैया, मॉम का फोन आया था। उनकी दोस्त की बेटी हमारे घर आ रही है। क्या वो चुड़ैल क्यों आ रही है? आपसे शादी करना तो नहीं? देखो भैया, मैं उसे कभी आपकी बीबी नहीं मान सकती और वो हमारे घर में नहीं आएगी। उसे होटल में रुकने के लिए बोल दो। हो गया है तेरा? अब मैं कुछ बोलूँ सुनेगी तू? हाँ बोलिए। मैं उससे शादी नहीं करूँगा क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। थैंक गॉड। और वो यहाँ आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए। अगर हम होटल में रुकने के लिए बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मामा को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। तो तू उसके साथ जरा एडजस्ट कर लेना। नहीं कर सकती उस चुड़ैल के साथ एडजस्ट। मैं तेरे घर चली जाऊंगी। ए नहीं मेरी माँ, ऐसा मत करना। तू एक बार मेरे बारे में सोच। मैं आपके बारे में क्यों सोचूं? आप खुद सोचो आपके बारे में। मैं चलती हूँ। जिमिन मेरे साथ ऐसा मत कर, तू मेरी अच्छी बहन है ना? जिमिन चली जाती है। चली गई? उसने कुछ बोला भी नहीं। तेरा मूड अभी तक ठीक नहीं हुआ? मैं ठीक हूँ अभी, चल। दोनों चला जाता है। हाय गाइस। हाय, ये दोनों आज ऐसे क्यों बैठे हैं? तुम दोनों को क्या हुआ? तुम दोनों क्या फाइट किए हो? ते क्या हुआ? जिमिन तुझे क्या हुआ? तुम दोनों क्या बोलोगे? तुम दोनों को क्या हुआ? जिमिन क्या हुआ? तुम्हारी परेशानी को मैं समझ सकता हूँ ते, पर मैं कुछ कर नहीं सकता। ते तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं सुगा, वो मेरे सर में थोड़ा दर्द है। तो बहुत टेंशन करती है ते। जिमिन ये हमसे कुछ नहीं बोलेगा, तो पूछ उसे। एक तो मैं मेरी परेशानी को लेकर पागल हो रही हूँ, उस परेशानी को मैं कैसे संभालूं? ऊपर से तेरा ये चेहरा मुझे और भी परेशान कर रही है। मुंह खुलेगी या मुंह में बम घुसा दूँ? जब फटेगा तब तेरा मुंह खुलेगा। ए जिमिन, बम दोगे तो मुंह के साथ साथ उसका बॉडी भी फट जाएगा। वो तो मुझे पता नहीं क्योंकि मैं तब मम्मी के पेट में था। आई एम श्योर ये लिसा के बड़ा भाई है, मेले में खो गया था। ए मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ और मैं इसे भाई नहीं मानती। तो मैं क्या तुम्हें बहन मानने के लिए मारा जा रहा हूँ? जिमी तेरी परेशानी क्या है? मेरी मम के बेस्ट फ्रेंड की बेटी जो हमारे घर आ रही है मेरी और मेरी भैया की जीना हराम करने के लिए। मैं तो सोच रही थी तेरे घर चली जाऊंगी पर जा नहीं सकती। क्यों? मेरे भैया की वजह से। मैं अगर चली गई तो उसे कौन बचाएगा? पता नहीं मुझे कितने दिन उस चुड़ैल के साथ रहना पड़ेगा। भैया मैं क्लास में जा रहा हूँ। एक एक जंगकुक चला जाता है। एक जंगकुक को क्या हुआ है? वो हमारे साथ बैठता क्यों नहीं है? क्योंकि मैं यहाँ हूँ इसलिए। क्या तेरे लिए? तूने क्या किया? एक तो मुझे भी पता नहीं है। ओके मैं लैब में जा रही हूँ। ते क्लास नहीं करेगी? नहीं मेरा मन नहीं है। एक एक ते चली जाती है। एक ते और जंगकुक का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। मॉर्निंग जिन, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं आपके साथ काम नहीं करूंगी। क्यों? आपके जैसे शेमलेस आदमी के साथ काम नहीं कर सकती मैं।
मैंने क्या किया? आपने कल रात क्या कहा भूल गए? हाँ नहीं तो, मुझे तो सब याद है। मैंने तो कोई गलत बात नहीं कहा। क्या आपने कुछ गलत नहीं कहा? नहीं तो, आपको एक लड़की के साथ ऐसे बात करते हुए शर्म नहीं आता है? शर्म? क्यों, शर्म क्यों आएगा? एक पति पत्नी के बीच क्या होता है वो आप एक लड़की के साथ कैसे भूल सकते हो? और भी जिसे आप अच्छी तरह से जानते भी नहीं हो। एक पति पत्नी के बीच क्या होता है ये बोलना शर्म की बात क्यों होगी? जब पति थक कर घर आता है तब तक पत्नी उसका ख्याल रखती है, जैसे ऑफिस से आने के बाद उसे क्या चाहिए क्या नहीं ये देखना, उसके लिए कॉफी बना के ले आना, प्यार से खाना परोसना, खाना खाके दोनों बैठकर सुख दुख की बातें करना, ये सभी तो होता है पति पत्नी के बीच। क्या आप ये बोलना चाहते थे? हाँ, और नहीं तो क्या? एक मिनट, तुमने क्या सोचा मैं किसके बारे में बोल रहा था? क्या तुमने उसके बारे में सोचा? जीन, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था तुम इतनी दूर तक चल जाओगी। तुम तो बहुत फास्ट हो। बकवास बंद करो और काम पे लग जाओ। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे कैरेक्टरलेस क्यों कहा? हाँ बोलो, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? मैंने क्या तुम्हारे साथ कुछ किया जिसके लिए तुमने मुझे कैरेक्टरलेस?